यू सर, आपने मुझे केवल 5 मिनट दिया है, इसलिए सर्वप्रथम मैं शैलजा जी, वेंकैया जी, अनिल जी और प्रफुल भाई, इन्होंने सारे लोगों ने मेरे मन में जो बात थी उसको कही है और मैं आपका आभारी हूँ। मुझे आज भी ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बिल लाया गया है इसके अंदर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, ये अहम भाग भावना है उसके पीछे, पर उसमें हमारी या आपकी सबकी एक जो मंशा रही थी कि गरीब आदमी को घर मिलना चाहिए, वो घर कैसा मिलेगा ये पता नहीं चल रहा है। सही बात ये है कि जब कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसके अंदर एनोनिमस जो आपको अथॉरिटीज़ के बीच में से जाना पड़ता है, कॉरपोरेशन के बीच में जाना पड़ता है, सारी चीज़ों के बीच में जाना, क्या आप मैकेनिज्म ऐसा बना सकते हैं कि जिस मैकेनिज्म के दृष्टि से अगर वन विंडो क्लियरेंस हो और वन विंडो के अंदर वो प्लान देने के बाद में वो ऑटोमेटिक पास होकर आ जाए। आज हालात ये हो गई है कि मुंबई के अंदर जितने आप नज़र आते, चाहे वो मैदान की ज़मीन होंगी, मैंगलोर की ज़मीन होंगी, खेल की ज़मीन होंगी, सारे ज़मीनों पे कब्जा कर लिया। और ये बात सिर्फ मुंबई की नहीं है तो सारे महानगरों के अंदर हुई। सच्चा सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और सारा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की नज़र ही नहीं आ रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस बिल के माध्यम से वो कंज्यूमर जो है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। आज अलग अलग तरह के इश्तहार आते हैं, उस इश्तहार में भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग बातों से उनको लुभाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों का इसके अंदर ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो एजेंट एक आता है बीच में, तो जो एजेंट आता है उस एजेंट के लिए भी उसकी भी परिभाषा ला के उसको भी उसके बीच में लाना चाहिए, ताकि वो जो एजेंट है वो लोग उठक नहीं सके। आपने स्पेस इंडेक्स की बात है, आपने FSI और FS की बात है, आप ये क्यों नहीं करते, FSI हटा क्यों नहीं देते उसमें से? अगर उसके अंदर आप कॉरपोरेशन लिमिटेड दिए, अगर पानी दे सकता है, बिजली दे सकता है, कई ऐसे देश है जहाँ पर उसकी नहीं। अच्छा, घर बनाने के बाद में चाहे अगर गवर्नमेंट का घर बना रही है तो उसकी क्वालिटी कैसी, क्वालिटी कंट्रोल का कोई ये नहीं है। आज हमारे सिंगापुर के अंदर हर महीने के अंदर एक बिल्डिंग बन रही है, दुबई के अंदर जिस ढंग से हो रही है, क्या हम वो क्वालिटी की देने का आप एश्योर कर रहे हैं इसके अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों का भी इसके अंदर ध्यान रखा देना चाहिए। और साथ ही साथ में राज्यों के जो अधिकार है उसको आप किस प्रकार से प्रोटेक्ट करने वाले हैं? महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने अपना उनका बिल है, उन्होंने एक बिल लाया कि आपने उसको स्टडी किया है, क्या उसको इसके अंदर आप इम्प्लीमेंट करने का प्रावधान ला रहे हैं उसके अंदर? ये भी एक बात है जो ध्यान में रखना होना चाहिए। साथ ही साथ के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने जिसका पैसा इस देश के अंदर लगाया हुआ है, क्या कभी उसका अपन असेसमेंट किया गया वेंकैया जी कि कितना सारा प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा हुआ है, बैंकों का कितना पैसा लगा है, उन प्राइवेट आदमी का कितना पैसा लगा हुआ है, और वो ठगा जा रहा है या नहीं ठगा जा रहा है, क्या उसको घर दिया गया है वहाँ पर या घर अभी तक दिया गया नहीं है? आज ऐसे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए जो 10-10, 15-15 साल से कि जिनको घर नहीं मिले हुए, आज यहाँ तक हालत होगी बम्बई में, थाने के अंदर, पूना के अंदर, कि आखिर में बिल्डर लोगों ने अपना आत्महत्या कर लिया उसके अंदर, मगर वो लोगों को वो मिल नहीं पाया है। मैं ये चाहूँगा, इस बिल के माध्यम से आपके सामने एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कम से कम इतनी उसके अंदर व्यवस्था होनी चाहिए कि ऑटोमेटिक क्लियरेंसेस की व्यवस्था होनी चाहिए, उस जो डेवलपर से या जो बिल्डर से उसको घर घर घूमने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और आज जो बिल्डर, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स का जो नेक्सस बना है वो टूटना चाहिए। ऐसी अनेक पार्टियाँ हैं, अलग अलग काम करती है, मगर जहाँ पर बिल्डिंग का काम है वहाँ सब वो पार्टियों के जो लोग हैं वो एक जगह मिलकर काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक अंदर बहुत बड़ी इसके अंदर खामी है जो दूर की जानी चाहिए। आपने इन्वायरमेंट का देखूंगा, बॉम्बे के अंदर जो फ्लड आया मीठी रिवर का, आपने देखा होगा चेन्नई के अंदर जो आया हुआ है, आपने देखा होगा कि यमुना के बारे में जो हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्यों नहीं उस वार्ड ऑफिसर को हम लोग जिम्मेदार करते हैं कि जब वो काम शुरू होता है उसी समय के अंदर उसको रोक दिया जाए? उस समय में सरकार क्या करती है? झोपड़पट्टियाँ जो बन रही है, झोपड़पट्टियों को आप क्या रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? दिन प्रतिदिन वो सब बढ़ते जा रही है। मैं ये चाहूँगा कि इसके अंदर में आखिर आपको जाना पड़ेगा स्टेट के बीच में ही, और स्टेट और ये दोनों का काम करते समय में आपको निश्चित एक विजिलेंस बनाना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये अथॉरिटी बना के काम नहीं होगा तो वो कितनी इफेक्टिव होगी उसको भी देखना पड़ेगा। जो उनके एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट सही में वैसे है क्या? दवेज ने कहा कि इसके बाद में उस प्रकार के एडवर्टीजमेंट वो नहीं दे पाएंगे, मगर इसके साथ साथ में आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि उन्होंने जो बात कही है, चाहे वो कारपेट एरिया की हो, चाहे वो इंडेक्स की हो, उस प्रकार से होना चाहिए। आप देखते हैं कि बाद में लिटिगेशन होते हैं,
कोर्ट के अंदर लोग जाते हैं, बिल्डिंगों को गिराने की नोटिस दी जाती है। तो मैं मानता हूँ कि आप जो प्रभु भाई ने जो बात कही है उस बात पर ध्यान रखिए। और ये जो लैंड बैंक नाम का जो शब्द आया हुआ है, इसके अंदर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये जो लैंड बैंक है इसके माध्यम से क्या हो रहा है। इसी के साथ में मैं मेरे शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।